तो दोस्तों वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स और मैं इमरान खान आपका इस्तकबाल करता हूँ भोपाल पिजन्स में। लेकिन आज भोपाल पिजन्स में हम आपको शो करवाएंगे पर्शियन कैट्स का। दोस्तों एक पर्शियन कैट्स जो होती है शायद पर्शिया से आई थी, तो इसलिए उनका नाम पर्शियन कैट्स भी पड़ा ऐसा सुना है मैंने। बाकी आज हम मौजूद हैं कैटरी पे हमारे अमन भाई की। अमन भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तो अमन भाई सबसे पहले जो पर्शियन कैट्स के बारे में एक नाम ही आता है पर्शियन कैट्स। कैट्स तो वैसे बहुत सारी होती हैं लेकिन जब पर्शियन नाम जुड़ जाता है तो एक अलग ही क्वालिटी नजर आती है, एक अलग ही खूबसूरत बिल्डिंग नजर आती है कि आप देखें उसे और मुझे उठा लें। तो इन पर्शियन कैट्स के बारे में बताएं कि क्या होती है पर्शियन कैट्स। भाई पर्शियन किट देखिए, एक तो अपना देसी किट आती है जी हाँ, उसमें और इसमें बहुत फर्क है जी, है ना भाई। पर्शियन किट में क्या है कि कलर भी एक ऐसा होता है कि अलग ही कलर आता है उसके जी, और कोड भी आता है, कोड भी आते हैं ट्रिपल कोड और फर क्वालिटी मेन है इनके फर्क पर्शियन किट जी। और फिर भाई फेज है, फिर फेज के अंदर भाई डॉल फेज है, सभी पंच है जी हाँ, एक्सट्रीम है जो कि अपने देसी किट के अंदर नहीं है सब चीज। तो मतलब जो अपने घर की एक नॉर्मल बिल्ली होती है जिसे अपन पालतू बिल्लियां बोलते हैं, वो सबसे बड़ा डिफरेंशिएट होता है इनके फर से। मतलब पालतू बिल्लियों का कोट जो होगा, जो फर होगा वो अलग होगा। अब जब जहाँ पे पर्शियन आ जाएगा नाम, वहाँ पे फर की क्वालिटी के हिसाब से वो हो जाएगा, तो चेंजेस नहीं है। अच्छा अमन भाई सबसे पहले एक क्वेश्चन में जानना चाहूँ, क्योंकि मैंने तो आपसे बिल्ली पाली नहीं है कि शौक है कि मैं बिल्ली पालू एक बार पर्शियन किट। अगर मैं अगर आपसे कोई पर्शियन किट लेके जाऊँ तो उसकी शुरुआत में कैसे करूं? मतलब बिल्ली तो मैं ले गया घर पे, क्या क्या उसके लिए इंतजाम होना चाहिए मेरे पास भाई? तो केयर कैसी होना चाहिए उनकी? भाई देखिए केयर कुछ भी नहीं है, केयर इनकी लोग बोलते कि भाई बहुत ध्यान करना पड़ता है भाई, केयर करना पड़ता है। भाई मेरे अंदर में तो कुछ भी नहीं है सर। भाई जैसी देखिए अब मेरा ये कैट सेटअप है जी हाँ, है ना। आप तो केज भी ले लो तो भाई आपने से अपने कैट को बंद कर दिया, दिन भर आप खुला रहें तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर भाई, वाई की ना तो कोई अग्रेसिव होती है। लेकिन ये गेट एक ऐसी गेट है कि अगर आप उनको पहरे बंद करोगे तो पहरे में तो बंद नहीं, आपके साथ आके सोएंगी वो भी कर सकते। नहीं भाई कोई कोई रहता है, क्या रहता है, क्या रहता है, घर सेपरेटेड रहता है लोगों का, बाहर भगने का दिक्कत है, टॉक की दिक्कत है। बाकी अगर आपका फ्लैट है या सेपरेट है तो भाई खुले दिन तक कोई दिक्कत नहीं है, रात को आप अपने साथ ही सुला सकते हो चाहो तो, बस कोई दिक्कत नहीं। बाकी बॉडी ट्रेन सब देते हैं, पोटी करना है, बॉडी ट्रेनर करना पड़ता है, अपने आप हो जाती है भाई, करना पड़ता है, खुद भी हो जाता है, खुद भी हो जाती है। तो दोस्तों जो पर्शियन कैट्स के बारे में कुछ क्वेश्चन रहते हैं सबके माइंड में कि पर्शियन कैट लेके आएंगे तो उनकी केयर कैसे करेंगे, तो केयर बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप बस उनको प्यार करें तो उतने ही प्यार वो आपको करेंगी और आपके साथ भी सो जाएंगी। अगर आप साथ में सुलाना पसंद नहीं करते तो एक पिंजरा लेके भी आप रख सकते हैं उसके अंदर। मैं पिंजरा भी दिखा देंगे जो भाई के पास है, कितने बड़े साइज का होना चाहिए पिंजरा। तो आगे जैसे जैसी बातें होंगी तो हम आपको बताते रहेंगे। तो अमन भाई सबसे पहले बताइए आपके पास स्टार्टअप जो आपका रहा वो कैसा रहा पर्शियन कैट्स का? चलिए मैं शुरू से मैं आपको सब बताता हूँ। सबसे अच्छा दिखाते दिखाते अपन है ना, तो अपन दिखाएंगे। तो दोस्तों जो चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और पर्शियन कैट्स में भी कई क्वालिटीज हैं भाई के पास, प्लेन पर्शियन कैट यानी कि डॉल फेस, उसके बाद सेमी पंच और एक्सट्रीम पंच। आपको हर एक क्वालिटी आपको अलग अलग तरीके से समझाएंगे भी और बताएंगे हमारे अमन भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं अमन भाई की पहली बिल्ली से। तो दोस्तों अमन भाई की कैटरी के अंदर सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं सबसे पुरानी कैट से, यानी कि पर्शियन कैट जो सबसे पुरानी है इनके पास। अमन भाई इसके बारे में बताएं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई आपकी कैट की? भाई मैंने 10-11 साल हो चुके हैं जी इस कैट को, 10-11 साल की है ये जी हाँ भाई। मैंने 1.5 महीने पहले बच्चा लिया था 45 डेज का। अच्छा जब आपने लिया था तब 45 डेज मैंने कैट तो ली थी जी, तो यही बस मैंने मेल लिया था सबसे पहले। अच्छा मेल 10-11 साल के हो चुके हैं जी, बस इनसे मेरे शौक स्टार्ट किया, परवान चढ़ाओ फिर बस फीमेल ली भाई, फीमेल के साथ एक फीमेल ली थी जी, उनके कैटेंस हुए जी, बस ऐसे करते करते भाई लगातार पूरे बढ़ते जाते। तो ये मेल है ये वाला जो सबसे पहले लिया था आपने, तो देख सकते हैं दोस्तों इसकी फर क्वालिटी। अब इसमें एक बात बताइए अमन भाई जी, कि इसमें फर क्वालिटी की पहचान कैसे करेंगे? आपने कहा सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट, तो उसमें अपन कैसे पहचान करेंगे? ये ट्रिपल कोट में भाई, ये ट्रिपल कोट बिल्कुल जो घना फर आता है ना जी, ये टेल में। अच्छा टेल में भी घना फर होना चाहिए, ये ट्रिपल कोट में ये ट्रिपल कोट के अंदर मेल गेट है। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, शायद आप इसको पकड़ते नहीं है इसलिए आपके हाथ में परेशान हो रहा है जी हाँ, एग्रेसिव हो जाता बहुत ज्यादा। तो ये मेल है दोस्तों और येलो आई जैसा कि हमेशा सुनने में आया डोमिनेंट होती है येलो आई, ये देख सकते हैं आप अलग तरीके से बैठा हुआ है हमको देख के वो पहली बार। तो
तो अमन भाई इसके साथ जो फीमेल लेती है वो भी आप शो करवाएंगे? भाई वो अभी मेरा दूसरा रूम में है। अच्छा, थोड़ी एग्रेसिव रहती है कुछ। अच्छा, इसलिए चक्कर में उसको लेके। जी 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 जी, वो भी 10 साल की है। बिल्कुल, तो और भी गेट जो शो करवाएंगे अपन उनको चलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए एक और बहुत बड़ा मेल गेट ही है ना ये भी? जी भाई ये भी मेल गेट है। इसका नाम भाई, इसका नाम भी जेक ही रखा था मैंने, इनके फादर जो है। जी अच्छा, उसका नाम भी जेक है और इसका नाम भी जेक है। तो आप देख सकते हैं बहुत बिग साइज पर्शियन गेट, ये भी ट्रिपल कोट में ही है। जी भाई ये भी ट्रिपल में, ये बाय कलर है। जी अब इसके आइस पर फोकस करते हैं। और दोस्तों इसके कई वीडियोस मेरे पास हैं, मैंने खुद बनाया अभी यहाँ पे बैठ के। बहुत लवेबल है ये, बहुत ज्यादा खेलने वाले में से ऐसा नहीं, ये हाथ में लिया इसलिए थोड़ा सा परेशान दिख रहा है, वरना मेरे साथ ये बहुत खेल रहा था। इसकी कुछ क्लिपिंग्स भी मैं शॉर्ट वीडियोस में अपलोड करूंगा क्योंकि ये बहुत लवेबल है। ये देखिए बाप, हर चीज इसकी देख सकते हैं। अच्छा, ये दो मेल गेट हैं, इसके साथ आप सारी फीमेल्स लगाते हैं अलग अलग कलर लाने। तो ये देख लीजिए दोस्तों, पर्शियन गेट्स के अंदर ये मेल गेट। अच्छा, ये पंच में है, सेमी पंच में? भाई सेमी पंच में, सेमी पंच में। इसमें भी देखना बहुत जरूरी होता है, सेमी पंच में बहुत खिलता है दोस्तों। ये देखिए आप, जम करेगा ये, इसको ये देखिए। अच्छा, इनका फूड भी अलग ही आता है, टोटल मिला के ना, घर का फूड नहीं खाते ये। जी। तो चलते हैं आप फीमेल्स की तरफ दोस्तों, फीमेल में पर्शियन गेट्स आपको दिखाते। तो दोस्तों ये एक और पर्शियन गेट अमन भाई की, येलो आइड में है, आप देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अमन भाई इसके बारे में कुछ बताएं। भाई ये केली को 8 महीने की है। 8 महीने की जी। अमन भाई इनकी ब्रीडिंग जो प्रोग्रेस है वो तो बहुत फास्ट होती है। जी तो, भाई 2 मंथ्स में भाई किटन्स हो जाते हैं मेट होने के बाद। मेट होने के 2 मंथ्स के अंदर इसको छोड़ दिए नीचे। तो किटन्स का आप क्या करते हैं भाई? किटन्स 16 किटन्स हो जाते हैं। अच्छा, जो हो जाते हैं। हाँ जी जी, उड़ाओ। तो अमन भाई जैसे कि ये देते हैं करीब 4 से 5 बच्चे देते हैं एक बार, तो क्या 4 से 5 बच्चे एक साथ मतलब आप दे देते हैं लगातार? नहीं नहीं भाई, जैसे कैटेंस हुए भाई उसमें क्या होता है भाई, मैं रख भी लेता हूँ कुछ। अच्छा, कुछ आप रखते भी हैं? रखते भी हूँ जी। और भाई रखने के बाद क्या होता है उनसे, एक बार किटेंस वगैरह लेने के बाद भाई फिर उनको मैं जो भी होता भाई लेना जो कुछ चाहे जिसको पसंद आता भाई दे देता हूँ उनको। तो मतलब एक क्वालिटी भी मेंटेन हो जाती है कि जो भाई ब्लड टाइम भी देती है। क्या होता है भाई, फर्स्ट टाइम इसमें बच्चे देंगे जैसे, ये बहुत सारे आपके पास किटन्स हैं सामने दिख रहे हैं, तो मतलब इनमें से आप एक या दो किटन्स संभाल के रखेंगे। जी हाँ। उसके बाद जो आपके पास फीमेल्स हैं उनसे लगाएंगे। जी हाँ। और खूबसूरती और बढ़ जाएगी। जी हाँ। फिर अगर जैसे क्वालिटी और ज्यादा मेंटेन हो जाएगी तो इनको आप निकाल के वो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट जनरेशन आप रख लेंगे बराबर। तो दोस्तों आप देखिए, जनरेशन टू जनरेशन क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अलग अलग लाइन ब्रीड भी करी जाती है, इन ब्रीड भी करी जाती है और क्रॉस ब्रीड भी करी जाती है। तो आप देख सकते हैं ये सब किटन्स जो हैं, बहुत प्यारे प्यारे किटन्स सामने मौजूद। तो अमन भाई ये भी फीमेल ही है वाली? हाँ भाई ये भी कैलिगो है। कैलिगो है ये भी? इसमें भी प्रिंट अलग है थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा इसमें वाइटनेस ज्यादा है इसके अंदर जी, और उसमें भाई ब्राउन और सब उसमें मिक्स है थोड़ा। जी हाँ जी भाई। तो ये कैलिगो फीमेल एक और अमन भाई की कैटरी की, ये देख सकते हैं सारी फीमेल जितनी देखी येलो आइड है ज्यादातर, तो ये डोमिनेंट कलर होता है और ये कैलिगो फीमेल है जिससे कि कई कलर्स बनते हैं, इस वजह से कैलिगो फीमेल बहुत वैल्यूबल होती है। अच्छा अमन भाई, कई बार कैलिगो के मेल भी होते हैं? नहीं भाई, कैलिगो मेल नहीं होते, कैलिगो में बाई कलर में होता है, बाई कलर में होते हैं। जी हाँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये एक और कैट हमारे अमन भाई की कैटरी की। अच्छा, इनको जैसे नहाना नहलाना है तो उसमें क्या कर सकते हैं अपन, कैसे कर भाई सकते? इनका शैम्पू वगैरह है भाई नहलाने के बाद? शैम्पू अलग आता है? हाँ, इनका अलग आता है, व्हाइट नहलाने में ड्रायर करना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद नहलाने के बाद ड्राई भी कर जरूरी है ताकि भाई बाल लेना भाई मेन तो ये बाल ही है। सही बात है जी। तो ये जितनी जल्दी सूख जाएंगे उतनी ज्यादा इतना। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये फीमेल एक और
कैलिको कलर में, देखिए आप कितने आराम से बैठे हुए हैं। तो ये कैलिको फीमेल पर्शियन कैट्स के अंदर। तो अमन भाई ये कौन सा कलर है भाई? ये भी ग्रे कलर में है, ये ग्रे कलर में है। अच्छा मेल है ये वाला? नहीं फीमेल है। फीमेल ही है ये? ये देखिए प्रेग्नेंट है तो इसलिए थोड़ा ऐसे लग रहा है कि मेल की तरह। जी अच्छा प्रेग्नेंट है ये। तो दोस्तों हम प्रेग्नेंट कैट्स को बस छोड़ के दिखा देते हैं। आप भी इसे छोड़ दीजिए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते हैं जी। तो ये देखिए ये अलग छोड़ दिया इसको, क्योंकि जब फीमेल्स होती हैं या तो हीट पे होती हैं या प्रेग्नेंट होती हैं तो थोड़ा एग्रेसिव हो जाती हैं। और खासतौर से नए लोगों को देख के, घर के लोगों को देख के। और ये देखो अपनी जगह पर पहुंच गई वो, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये क्या बोला था कलर कौन सा? ग्रे कलर में, ग्रे कलर में ये। तो देखिए दोस्तों कई फीमेल्स भी आपको देखने को मिली। तो चलते हैं नेक्स्ट कैट की तरफ। तो दोस्तों ये एक और कैट देखिए, ये आपकी टी शर्ट के कलर से मिल रही है, तो लग ही नहीं रहा बिल्कुल मिक्स हो जा रही है ये। ये भी फीमेल है? जी है भाई, ये भी प्रेग्नेंट है भाई, बंद हुआ इनको भी अभी। अच्छा ये डॉल फेस में है ये? हाँ भाई डॉल फेस है ना, डॉल फेस के अंदर। चलिए थोड़ा सा तो मेरे को समझ में आने लग गया डॉल फेस और सेविंग पंच क्या होता है पर्शियन कैट्स के अंदर। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कलर देखिए पर्पल कोट के अंदर, ये फीमेल। तो आज बहुत मजा आ रहा है दोस्तों पर्शियन कैट्स का शौक करने में। अलग अलग चेहरे, सिर्फ इनको ऐसा लगता है चेहरा मसलते रहो इनका, यूं पकड़ के यूं करते रहो बस यूं। ये तो जितना प्यार करोगे रिटर्न जरूर आपको उतना ही प्यार करेंगे। तो चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। ये देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है ये। इस कलर को क्या बोलेंगे भाई? गोल्डन कलर, गोल्डन कलर बोलेंगे। ये देखिए आप ऑफर क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, कितने प्यारी जो टेल है, टेल के ऊपर भी फर कितने ज्यादा है इसके। तो ये अच्छा जो केज की बात चली थी, ये केज इतना बड़ा केज चाहिए रहता है मिनिमम एक केज के लिए? नहीं नहीं भाई, ये पेयर आराम से आ सकता है। अच्छा एक पेयर इसके अंदर आराम से आ सकता है, एक पेयर आ सकता है ना। और जो कंफर्टेबल अगर जोन में अपन बात करें तो जो फीमेल ही पालते हैं ज्यादातर, उनके लिए इतना बड़ा केज काफी रहेगा ये। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, केज का भी आपको समझ में आ गया होगा ये केज है। इसके अंदर क्वालिटी ये रहती है दोस्तों कि जो भी ये करेंगे एक्सक्रीट जो करेंगे वो नीचे इकट्ठी हो जाएगी और आप नीचे से ट्रे निकाल के फेंक सकते हैं। वैसे कई अलग अलग चीजें भी आती हैं, जैसे कि लेटर है भाई के पास ये। अच्छा ये जो सामने अपन के ये रखे हुए हैं जी, ये लेटर्स वगैरह, तो ये क्या आप सेल भी करते हैं इनके लिए? सब ये भाई ये सिर्फ इनके लिए? अच्छा सिर्फ इनके लिए? मैं एकदम क्या जमे भी देखे तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप सेल भी करते हो इनको। नहीं नहीं भाई, ये सिर्फ ये इन केस के लिए है। तो आप देखिए सबसे मेन चीज जो फूड है, सबसे बेस्ट क्वालिटी फूड वो शायद रॉयल कैनिन है, जी है भाई यार, है ना, है ना, जो खासतौर से ब्रीडर्स को दिया जाता है, प्रेग्नेंट्स को दिया जाता है और जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनके लिए दिया जाता है ये रॉयल कैनिन का फूड। तो ये सबसे महंगा भी है दोस्तों, कॉस्टली भी है, लेकिन इसके अलावा मियो फूड वगैरह आते हैं तो ये सब खिलाए जाते हैं। और ये लेटर के बारे में, इसके बारे में दोस्तों बता दीजिए जरा आप। सर ये भाई लेटर है, क्या होता है जैसे कोई फ्लैट वगैरह या किसी का थोड़ा सा घर ऐसा रहता है तो रेत वगैरह में क्या स्मेल वगैरह आती है जी, तो लेटर में क्या है कि भाई इसमें स्मेल नहीं आती। अच्छा लेटर अपन एक ट्रे के अंदर डाले तो जो जो भी एक्सक्रीट करेंगे वो इसके अंदर जाके करेंगे जी भाई, है ना, तो स्मेल नहीं आएगी जी। तो दोस्तों ये एक और, ये डबल कलर में इसकी आंख भाई, ओल्ड आईज, ओल्ड आईज बोलते हैं, ओल्ड आईज ब्लू आई और एक ब्राउन एक वाली येलो आईड है। तो ये एक और फीमेल देखिए दोस्तों ओल्ड आईज के अंदर, और इसका जो क्रॉस होता है वो ज्यादातर येलो आईड से करवाते हैं आप, ब्लू आईज से भी करवा देते हैं, ब्लू आईज से भी करवा देते हैं जी, ताकि आप तो खूबसूरती में जो आगे जनरेशन में खूबसूरती आए वो ज्यादा जी, तो जी, 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 बिल्कुल। तो देखिए फीमेल बिल्कुल व्हाइट, चलिए इसको छोड़ देते हैं। ये भी प्रेग्नेंट है? नहीं भाई अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी थोड़े टाइम जी। तो ये देख सकते हैं दोस्तों जितने भी टेल्स देखे हैं, टेल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फर क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इससे पहचान में आता जा रहा है टेल के ऊपर जितने ज्यादा फर होंगे जी, है ना, उससे भी क्वालिटी मेंटेन होती है जी। तो ये देख सकते हैं। और अब चलते हैं दोस्तों जो किटन्स हैं जी, तो किटन्स आपको शो करवाया जाएगा एक साथ, और आप किटन्स देख के खुश हो जाएंगे क्योंकि किटन्स में जितना ज्यादा प्यार आता है उससे ज्यादा डबल्स किटन्स में ज्यादा आता है। इन पे तो आता ही है, लेकिन इनसे जो डबल है वो डबल खूबसूरती लिए हुए अपने ये रहते हैं किटन्स इनके पर्शियन कैट्स के।
तो ये सब अभी खाना खाए हुए देखिए आराम फरमा रहे हैं सबके सब, ये सब नवाबजादे हैं, ये सब आराम आराम कर रहे हैं। और इनमें जो सबसे ज्यादा प्यार करा वो ये एक डबल कलर बाई कलर, ये क्या है, मेल है फीमेल ही वाली, ये मेल है, ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा मासूम सा है, ये मेल। दोस्तों फीमेल ज्यादा हैं तो किटन्स भी ज्यादा हैं अमन भाई के पास में। अमन भाई ये क्या है, फीमेल है मेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये इसकी हाइट येलो है जी, येलो है, येलो हाइट का है। और ये पंच में है कि सेमी पंच में, भाई डॉल में है ये, डॉल में है ये। और इससे पहले जो अपन ने ये दिखाया था ये वाला भाई, ये सेमी पंच में, ये सेमी पंच में है जी। ये देखिए तभी इससे ज्यादा प्यार आ रहा था मेरे को, बहुत मासूमियत दिख रही थी सेमी पंच में, और पंच में बहुत ज्यादा मासूमियत आ जाती है इनके पंच फेस की वजह से। तो पर्सियन के दोस्तों ये देखिए आप अलग। और ये वाला क्या है भाई, ये मेल है, ये मेल है। अच्छा ये वाली फीमेल है जी, तो अगर कोई चाहे तो एक पेयर बन सकता है, जी भाई पेयर बन सकता है, ये मेल है। अच्छा जैसे ये भी ग्रे कलर में है और ये भी ग्रे कलर में है जी, अगर इन दोनों का पेयर बने आगे जाके तो क्या बच्चे सेम कलर में निकलेंगे या अलग अलग? कुछ नहीं कह सकते, अलग भी आ सकता है, व्हाइट भी आ सकता है, ब्लैक भी, कैलिव भी। अच्छा सब आ सकते हैं, मतलब जरूर नहीं कि ना अगर सेम अपन बोल रहे जी। तो एक देखिए दोस्तों ये पेयर देख लीजिए आप जो आपके सामने था, ये भी डॉल फेस में भाई, सेमी पंच में, सेमी पंच में जी। तो सेमी पंच पर्शियन कैट और ये मेल था। चलिए नेक्स्ट किटन्स को और देखते हैं अपन। तो ये भी एक पेयर अमन भाई जी, अमन भाई इनके बारे में बताया, अगर इनका पेयर लगेगा तो कैसे बच्चे निकलेंगे भाई? इसमें भी सब आ सकते हैं, सब आएंगे इसमें भी, जैसे एक बात मदर की तरह आ जाए, एक फादर की तरह राइट आ जाए जी। बाकी इसके अलावा अदर भी कुछ आ सकते, अदर भी आ सकते हैं, हाँ, हाँ। मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता आप, बस ये कि अगर पेयर रखे तो अलग अलग, ये व्हाइट मेल है जी, इसमें ये गोल्डन फीमेल है, गोल्डन फीमेल है। तो ये दोनों का पेयर अगर आप रखेंगे तो दो अलग अलग कलर का भी शो हो जाएगा आपका, और कलर के कई कलर बच्चों में भी निकल आएंगे। तो देखिए आप, आपको बच्चे बच्चे किटन ही किटन दिखाए जा रहे हैं दोस्तों पर्शियन कैट्स के, बने रहिएगा पूरे वीडियो में। तो दोस्तों किटन्स ही किटन्स पर्शियन कैट्स के, अमन भाई इनके बारे में बताएं, ये भी गोल्डन है भाई, ये फाउन कलर है, फाउन कलर जिसको हाफ व्हाइट बोलते हैं, क्रीम कलर जी, क्रीम कलर। और वो वाला कलर कौन सा कहलाएगा? ये डार्क ग्रे है, डार्क ग्रे जी, और येलो आइड में है, येलो आइड में ये। अच्छा ये मेल फीमेल है कि भाई? ये दोनों फीमेल है। अच्छा दोनों फीमेल से हैं, ये हेजल लाइस जी। दोस्तों सबका शौक अलग अलग रहता है, कोई मेल्स पालना पसंद करते हैं, कोई फीमेल ज्यादातर, और या फिर कोई पेयर ही सोचते हैं कि पेयर बच्चों का आ जाए ताकि बड़े होकर वो कंटिन्यूस ब्रीड कर सके। तो ये देख सकते हैं आप किटन से किटन मौजूद हैं दोस्तों अमन भाई की कैटरी पे। तो ये एक और किटन देखिए दोस्तों पर्शियन कैट में, ये पंच में है, सेमी पंच में, भाई सेमी पंच में, सेमी पंच में जी, और कैलिगो है, हाँ भाई कैलिगो है। ये देखिए आप कैलिगो एक और फीमेल, जैसे कि भाई ने बताया मेल निकलते नहीं है कैलिगो कलर में। तो जैसे कि मैंने आपको देखा कि कोई कैलिगो, अच्छा कैलिगो फीमेल का बच्चा आई है या किसी और का है? नहीं नहीं भाई, ये व्हाइट फीमेल है और ग्रे इसके फादर है। अच्छा व्हाइट फीमेल के साथ में ग्रे फादर लगा, तो ये इसमें निकल आया बच्चा। मैं आपसे बोल रहा हूँ कुछ भी आ सकता है, कलर पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा कलर में कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, बस फॉरो की क्वालिटी होना चाहिए बार, के अंदर और डोमिनेंसी आना चाहिए, तो इसके हिसाब से ये किटन्स निकल आते हैं। तो आप देखिए, तो आप देख सकते हैं दोस्तों किटन्स ही किटन्स हर जगह। अच्छा अमन भाई एक बात और पूछना थी, जिससे कई बार ऐसा होता है कि जो फंगस होती है, फंगस का इन्फेक्शन होता है किड्स के अंदर खास तौर से, तो कभी आपकी किड्स या किटन्स को कभी फंगस हुआ है भाई? असल में क्या हुआ था, मेरे पास कैट्स तो है ही बहुत सारे जी, असल में क्या हुआ, मैंने एक बाहर से कैट मंगवाई जी, तो उस कैट को थोड़ा सा फंगस था जी, मैंने ध्यान नहीं दिया बालों का, क्या होता बालों में स्किन में दिखता नहीं है जी जी, क्योंकि तो फर बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा होता फंगस जी, फर ज्यादा रहता है जी। तो अब मैं उसको लेकर आया था, उसको फंगस तो ध्यान नहीं दिया था, वो क्या है कि पूरे किटन्स में और कैट में फैल गया था जी, तो बस वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसका ट्रीटमेंट होता है फंगस का? ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट। तो दोस्तों अमन भाई का नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, कोई भी बिल्ली से रिलेटेड, पर्शियन कैट से रिलेटेड आपको जो भी क्वेरीज वगैरह हैं, तो आप डायरेक्टली अमन भाई को फोन करके पूछ सकते हैं, आइदर वो डिजीजेस के अंदर हो या फिर ब्रीडिंग पर्पस के अंदर या फिर उसके मेंटेनेंस में। तो अमन भाई आपका नंबर दे दूं मैं स्क्रीन पे जी, जी। तो आप, क्योंकि मैं तो कोई नॉलेज नहीं है कैट्स का, तो आप ही दे सकते हैं क्योंकि आप रेगुलर ब्रीड कर रहे हैं 10-11 साल से जी, जी। तो इस वजह से आपसे लोग क्वेश्चन करेंगे तो सही जगह होगी। और दोस्तों ये किटन्स हैं जो कि अवेलेबल हैं अभी, और इनमें से कुछ हैं सेल्स के लिए
भाई इसमें है दो तीन किटन्स हैं। अच्छा, दो तीन किटन्स हैं जो निकाल दे देंगे आप जी। तो दिल तो मेरा भी कर रहा है एक आध किटन ले जाने का, लेकिन साहब जगह भी होना चाहिए हमारे पास। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, और ये जैक जो कि बहुत प्यारा एडल्ट पर्शियन मेल है। और अमन भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी जबरदस्त कैट्स हमें शो करवाया, और खास तौर से किटन्स का, कि किटन्स बहुत सारे हैं आपके पास, तो किटन्स पे ज्यादा प्यार आता है जी। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जल्दी आपके सामने और लेके आएंगे पर्शियन कैट्स के नए नए वीडियोस। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।